हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे कि जीभ में अगर कैंसर हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और पहचानेंगे कैसे। तो फर्स्ट ऑन आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो कि ऐसा दिखता है टंग में कैंसर हो जाता है। तो उसका जो कॉजेस है वो है पोर ओरल हाइजेनिक। अगर आप स्मोक करते हो तो भी आपको ये हो सकता है, अल्कोहल अगर पीते हो या फिर सुपारी खाते हो या फिर अगर आपका दांत जो है वो बहुत ही शार्प है उससे इरिटेशन हो जाता है स्किन में, तभी ये कॉजेस हो सकता है। फेलनेस अगर हो या फिर ल्यूकोप्लाकिया या फिर एरिथ्रोप्लेकिया, इसमें से कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आपको ये बीमारी हो सकते हैं। और अगर आपका जो आंसर है वो नॉन हीलिंग है या फिर पॉलीफ्रेश टिप ग्रोथ है तो आपको ये हो सकता है। और इसका जो सिम्टम्स है वो बहुत ही ज़्यादा, आपका जो ब्लीडिंग है वो बहुत ही होगा, डिस्पेसिया मतलब डिफ़िकल्टी ऑफ सॉलोइंग, आपको निगलने में प्रॉब्लम होगा या फिर मुँह से बदबू आएंगे। तो आपका जो सर्वाइकल नोट है वो एनलार्जमेंट हो जाएंगे और आपको निकलने में और बात करने में दिक्कत होगा। अभी हम देखेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या है। फर्स्ट वन इज सरकोमा इन सीटू, मतलब टंग के जो 1 सेंटीमीटर मार्जिन से वो एक्सीशन करना पड़ता है, मतलब काट के निकालना पड़ता है। और उसके बाद पार्शियल ग्लोसेक्टोमी, मतलब आधा जीभ काटना पड़ सकता है। हेमी ग्लोसेक्टोमी, मतलब 50% टंग को काटना पड़ सकता है। टोटल ग्लोसेक्टोमी, मतलब पूरा टंग को काटना पड़ सकता है। या फिर कॉमंडो ऑपरेशन करना पड़ सकता है जिसमें मैंडिबल आधा काटना पड़ सकता है, फ्लोरोटोमी से काटना पड़ सकता है या फिर टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट से भी काटना पड़ सकता है। सो यही था इसके बारे में। अगर आपको और डिटेल्स में जानना है तो कमेंट में कमेंट करना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।